अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों की आलोचना की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि दो बीजेपी नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय हैं। उन्होंने कहा कि हम दो बीजेपी नेताओं द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की निंदा करते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि पार्टी ने सार्वजनिक तौर से इन टिप्पणियों की निंदा की है। हम धर्म या आस्था की स्वतंत्रता समेत मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं को लेकर उच्च स्तर पर भारत सरकार के साथ नियमित संवाद करते रहेंगे। इससे पहले बांग्लादेश ने भी पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी की निंदा की थी और कहा था कि हम पैगंबर के सम्मान से समझौता नहीं कर रहे। जहां भी कुछ पैगंबर के खिलाफ होता है हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन हम भारत सरकार को साथ ही उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बधाई देते हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ कहा है। दरअसल पिछले महीने बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट शो में हिस्सा लेते हुए पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद दिल्ली बीजेपी के मीडिया सेल के प्रमुख रहे नवीन कुमार जिंदल ने भी कथित विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मामला फूल पकड़ा और खाड़ी देशों ने इस पर कड़ा एतराज जताया, जिसके चलते बीजेपी ने दोनों ही नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। बॉयकॉट, 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 बॉयकॉट।